हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग डिनर में बना रहे हैं पाव भाजी, और ये है मेरी बहन पारुल जो कि कल आई थी मेरे घर पर। तो मैंने से कल रोक लिया था, मैंने सोचा था कि कुछ बनाएंगे। सर्दी का मौसम है तो जो है वो तरह तरीके की चीज़ें बनती रहती हैं, क्योंकि कहीं आना जाना तो होता नहीं है सर्दियों में। तो ये लगता है कि चलो ये बना लेते हैं वो बना लेते हैं, इससे टाइम पास भी हो जाएगा। और तो हम लोगों ने आज डिनर में पाव भाजी बनाई है। ये मेरी बन रही है भाजी, इसी ने बनाई है, इसको आती है। मैं तो ज़्यादा ट्राई नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे कम पसंद है, इसलिए मैं नहीं बनाती हूँ। और ये रहा हमारे पाव, ये रहा हमारा बटर, और जब अभी बन जाएगी तब गार्निश करेंगे। तो फ्रेंड्स खाइए गर्मा गर्म पाव भाजी, आप देख सकते हैं। ये इसको आइडिया हो गया पाव भाजी का काफ़ी अच्छा, क्योंकि ये काफ़ी बार बना चुकी है। मैंने तो अभी ज़्यादा नहीं ट्राई करी है, तो लगभग ठीक ठाक बन गई है। आप दूसरे के घर में बनाइए तो बर्तनों का और मसालों का आइडिया कम ही होता है। और एक दो चीज़ें मिस भी थी, चुकंदर वगैरह नहीं था, उससे और भी अच्छा कलर आ जाता। चुकंदर इसमें मस्ट होता है कलर के लिए। बाकी सब्जियाँ जो अवेलेबल थी घर में हमने उसी से बना ली, कुछ भी बाजार से नहीं मंगाना पड़ा। और ये है हमारा लास्ट टच, ये नींबू। और उसके बाद मैं पाव सेकने जा रही हूँ इस तवे पर। हमारा डिनर जो है वो तैयार है। तो बटर सेकने के लिए हमने बटर को मेल्ट कर लिया है, और उस पर धनिया से इसको मिक्स कर लिया है इस तरीके से, क्योंकि हम बिल्कुल रेस्टोरेंट की तरह बना रहे हैं मस्त एकदम से। और इस पर मैं बटर में पाव सेकने वाली हूँ। बस ये हो गया कि हमने पाव अभी मंगाए थे, तो ये पाव जो है उसमें तो मज़ा नहीं आया क्योंकि छोटे वाले हैं, चौकोर वाले मंगाए वो मिले नहीं थे। तो इसमें पाव सेकेंगे इस तरीके से। कुछ इस तरीके से आप पाव सेक लें। पाव सेकना तो बहुत आसान है, तो ये वाला काम मैंने कर लिया और भाजी बनाने वाला काम इसने कर लिया था। सारी सब्जियों के भाजी की अगर आपको फुल रेसिपी देखनी हो तो आप मेरे चैनल पर जा सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैंने इसकी फुल डिटेल डाली है इसी रेसिपी की, पूरी की भाजी किस तरीके से हम लोग बनाते हैं, किस तरीके से बनाई आप देख सकते हैं। एकदम यम्मी सी बनी है, बहुत खट्टी है। हम लोगों ने इसमें खटास के लिए नींबू भी डाला है ऊपर से। और ये पापा की प्लेट लग गई है, उसके बाद मैं मम्मी को दूंगी। हल्का सा इसमें प्याज और रखना है मुझे, उसके बाद बस रेडी हो गई। तो इस तरीके की रेसिपी देखने के लिए, मुझसे जुड़ने के लिए, मुझसे बातें करने के लिए और मेरी लाइफ स्टाइल देखने के लिए फटाफट से नीचे सब्सक्राइब का बटन दबा लीजिए। बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल भी ना भूलें, और वीडियो को लाइक शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें।